हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। मैं आप सभी को एक शॉर्ट एंड स्वीट सा बेयर एक्ट पढ़ाने आई हूँ। तो मैं आप सभी को आज दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी जानकारी सभी को होना ही चाहिए। तो मैं आप सभी को एक मतलब अच्छे तरीके से सरल तरीके से समझा दूँगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम डॉरी प्रोविज़न एक्ट 1961 का है। एक्ट नंबर है इसका 28। टोटल सेक्शन है 1 to 10। ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति इसको मिली है 20 मई 1961 और ये एप्लीकेबल हुआ है 1 जुलाई 1961 को। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट जो है उसमें शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, मतलब उसमें उसका हर बेयर एक्ट का सबसे पहले ऊपर उद्देश्य होता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य है दहेज लेने और देने पर रोक लगाना, इसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। उसके बाद ये एक्ट जो है वो संपूर्ण भारत पर एप्लीकेबल है। उसके बाद सेक्शन दो हम पढ़ेंगे। सेक्शन दो में दहेज की डेफिनेशन दी गई है। तो दहेज की डेफिनेशन में क्या आ जाता है, कोई भी संपत्ति या कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के समय या उससे पहले या उसके पश्चात एक पक्षकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से दी जाती है या इसका करार किया जाता है, तो ये इसके डेफिनेशन के अंतर्गत आ जाएगी। उसके बाद सेक्शन थ्री हम देखेंगे। तो सेक्शन थ्री में बताया गया है कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है, तो उसके लिए पनिशमेंट कितनी होगी। तो जो कोई दहेज लेगा या दहेज देगा तो उसके लिए पनिशमेंट 5 साल की होगी और साथ में 15,000 रुपये जुर्माना या दहेज की जितनी भी राशि है जो भी अधिक हो इन दोनों में से वो दी जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन फोर। सेक्शन फोर में क्या बताया गया है, जो दहेज की डिमांड करेगा, ठीक है, जो डाउरी की डिमांड करेगा, दहेज मांगेगा, तो वो भी पनिशेबल है, अपराध है दहेज मांगना भी। तो फिर इसके लिए कितना पनिशमेंट डिफाइन किया गया है, तो इसके लिए पनिशमेंट डिफाइन किया गया है कि 6 महीने से कम की सज़ा नहीं होगी और 2 साल तक की हो सकेगी, प्लस जुर्माना होगा 10,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे 4A। 4A में क्या बताया है, सेक्शन 4A में बताया गया है कि जो कोई भी दहेज से संबंधित एडवर्टाइजमेंट हैं उनका प्रचार करेगा, छपवाएगा अखबार में, मुद्रांकित करेगा, तो उस पर भी बैन लगाया गया है कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है, और वो बोलता है कि आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी में इतना इतना हिस्सा दूंगा, तो कोई इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है, इस तरीके का ऑफ़र नहीं दे सकता है, ये पनिशेबल है सेक्शन 4A में। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 6 महीने से कम की नहीं 5 साल तक की सज़ा हो सकेगी या फाइन लगेगा। फाइन डिफाइन नहीं किया गया है कितना लगेगा। उसके बाद सेक्शन 5। सेक्शन 5 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो दहेज लेने का या देने का करार करेगा तो ऐसा करार शून्य होगा। ठीक है, सेक्शन 6। सेक्शन 6 में बताया गया है कि जो दहेज है वो उसकी पत्नी या फिर उसके वारिसों के फ़ायदे के लिए होना, अर्थात ये कि जिस पर्सन के लिए अर्थात जिस महिला के लिए दहेज देने की बात की गई थी या उसके नाम से दिया गया था कि आप उस महिला को दे देना, अब वो उसकी प्राकृतिक या अप्राकृतिक तरीके से मृत्यु हो गई है, तो फिर वो जो दहेज है ना वो उसके वारिसों को जाएगा, यानी कि उसके बच्चों को जाएगा, और अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो उसके माता पिता को जाएगा, और वो जो पर्सन है उसको 3 महीने के अंतर अंतर्गत ये दे देना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको सज़ा होगी। तो उसको सज़ा होगी 6 महीने से कम की नहीं होगी और 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर फाइन होगा जो 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा, 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, तो या फिर दोनों, ठीक है, दोनों से पनिशेबल किया जाएगा। तो ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 6 में। सेक्शन 7 में बताया गया है कि अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, अर्थात अपराधों की सुनवाई किसके यहाँ होगी, कौन से मजिस्ट्रेट के यहाँ होगी, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये दोनों ही सुनेंगे, इनसे इंफीरियर कोर्ट नहीं सुनेगा दहेज से रिलेटेड संबंधित केस जो भी होंगे। उसके बाद सेक्शन 8। सेक्शन 8 में बताया गया है कि ये अपराध है कैसा, अर्थात कॉग्निजिबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, नॉन बेलेबल है, मतलब इसमें बेल का राइट नहीं है। दूसरा,
राजीनामा नहीं होगा कि पैसे ले दे के मामले को रफा दफा कर लें, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा डेंजरस है, तो मतलब ये अपराध करते हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि सज़ा टफ है इसमें, ऐसा नहीं है। उसके बाद ये कि सेक्शन 8A, सेक्शन 8A में बताया गया है कि सबूत का भार किस पर होगा। अब कोई व्यक्ति सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग दहेज लेगा या देगा या दुष्प्रेरित करेगा या सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग डिमांड करेगा, तो सबूत का भार उस व्यक्ति पर ही होगा। उसी को सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने ये अपराध नहीं किया है या दहेज की मांग नहीं की है, तो जो अभियोजित किया जाएगा उसी को सिद्ध करना पड़ेगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पर होगा। सेक्शन 8B में बताया गया है कि जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उनकी नियुक्ति करेगी स्टेट गवर्नमेंट और जितना चाहे उतने नियुक्त कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 9 में बताया गया है कि नियम बनाने की शक्ति किसकी होगी, केंद्र सरकार की होगी। और सेक्शन 10 में बताया गया है कि नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार की होगी। तो ये हमारा एक्ट शॉर्ट एंड स्वीट सा कंप्लीट हो गया है। मैंने इसको इसी पर